see God's hands on somebody's chest. God's hand on somebody's chest. मैं देख रहा हूँ किसी का परमेश्वर का हाथ किसी के छाती पर है. You know, it was you had pain for so many days. और कई दिनों से आपको दर्द होता है. Hallelujah. प्रेज जी, अभी आपने कहा कि आप किसी के छाती को देख रहे हो और परमेश्वर छाती को छू रहा है. ये बहन को पिछले 10 महीने में 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और जब तपास किया गया डॉक्टर ने तो डॉक्टर को पता चला है कि उनके दिल में 4 जगह पर ब्लॉकेजेस है. मतलब 99% जो है 99% खून बहना बंद हो चुका है, जिसके वजह से उनके दिल में, उनके सीने में, उनके छाती में काफी दर्द होता है. थैंक यू लॉर्ड जीसस. मैन, ऐसा कोई, इधर देखो, ऐसा कोई व्यक्ति है जिससे आप, आपके दिल के अंदर कड़वाहट है, जिससे आप अंदर में आपको ना उसको माफ नहीं कर पा रहा है ऐसे. ठीक है, उसे क्षमा कर दो. आपका दिल ऐसा देख रहे, यू नो, कड़क है आपका दिल एकदम. आप मुझे पहले मिला कभी ऐसे बैठ के बात किया मेरे से कभी? कभी ऐसे बैठ के बात किया हमने? कभी नहीं किया. अब प्रभु चाहता कि आप आजाद हो गए आज, इसलिए प्रभु आपको यहाँ पर लेकर आया. प्रभु आपको आजाद करना चाहता है आपके दिल को. देखिए, आपका जो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रभु चाहता है कि आप एक नया व्यक्ति बन जाएं. मेरी बहन, मेरी डैडी मुझसे बोल रहा है, जो जिसने आपने जिसको अपना समझा वही आपको धोखा देके, यू नो, बहुत बड़ा काम आपके ऊपर किया है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इस वक्त अपने प्यार से आपको भर रहा है. आमेन. आप यहाँ तक पहुँच गया तो अच्छा लगा, मरेगा तो भी चलेगा. इसे अंदर में आपका रहने का, जीने का कोई उमंग नहीं आपको, लेकिन आज प्रभु आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है. मेरी बहन, आज प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदल रहा है, नया ज़िंदगी दे रहा है, नया ज़िंदगी दे रहा है, नया ज़िंदगी दे रहा है. देख रहा हूं कि प्रभु आपको नया दिल दे रहा है. जीसस, नया दिल दे रहा है. He's giving you a new heart. वो आपको नया दिल दे रहा है. वो दिल एकदम कड़क हो गया था, पत्थर जैसा हो गया था, लेकिन प्रभु आपको नया दिल दे रहा है. Lord, I declare and decree this heart is totally healed and delivered in Jesus' name. Amen. खड़े हो जाइए, आप आजाद हो गया. मेरी बेटी, मैं आपके पीछे देख रहा था, एक दुष्टात्मा को देख रहा था, मौत की दुष्टात्मा के पीछे घेर कर रखा हुआ था. जैसे मैंने प्रार्थना किया वो चला गया. मौत आपके जीवन से खारिज हो गया, आपके काम में आके वो बोलता था ज्यादा दिन नहीं है, लेकिन आज मैं वो मुझसे बोल रही चीज, और वो बोल रहा है कि मौत को खारिज कर दिया, आप जीने लगेगा आज के बाद, आज के बाद, आज के बाद आप जिएगा और मरेगा नहीं. आप प्रभु के कार्य को करेगा, आप दौड़ेगा, प्रभु को संसार को बताएंगे आप. प्रेजी, ये बहन को 10 महीने में 2 बार हार्ट अटैक आ चुका है और जब भी डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जब तपास किया तो पता चला कि उनके हार्ट में 4 जगह पर ब्लॉकेजेस है और जिसके माध्यम से वो 99% ब्लॉकेजेस है और जहाँ पर कोई भी खून वहाँ से बह नहीं सकता है. और डॉक्टर ने उन्हें बाईपास का सजेशन किया था, लेकिन उनको विश्वास था कि प्रेरित का परमेश्वर ने ज़रूर चंगा करेगा. और जैसे आपने उनकी समस्या
के बारे में बताया और बहन के लिए जैसे आपने प्रार्थना कर रहे थे और जैसे परमेश्वर आपको बता रहे थे कि उनको बहुत लोगों ने ठोकर दिया है, ये बहन बता रही है कि उनके नज़दीकी लोगों ने ही उन्हें ठोकर दिया था जिसकी वजह से उनका हृदय बहुत ही कड़वा हो चुका था। और जैसे आपने उन्हें कहा कि उन्हें ऐसे कान में आवाज़ आती थी कि उनको जैसे कि उनका एंड डेज है और वो अभी जी नहीं सकती, ये बहन बता रही है कि वैसा ही होता था। और वो हार्ट की समस्या के वजह से उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, उनके बीपी बढ़ने लगा, थायराइड बढ़ने लगा और उनको सांस लेने में भी काफ़ी समस्या होती थी, उन्हें चलने फिरने में काफ़ी समस्या होती थी। अभी हम देख रहे हैं कि वो बता रही है कि उनको लेफ्ट हाथ से अपने जो बाएं हाथ से वो कुछ भी वजन का चीज़ नहीं उठा सकती थी, ये 1 लीटर का बॉटल या उससे ज़्यादा कुछ भी वजन का चीज़, इनफैक्ट वो अपना बैग भी नहीं उठा पाती थी। लेकिन हम देख रहे हैं कि कई समय से यहाँ पर वो बॉटल लेके खड़ी है, उनका जो हाथ का दर्द है वो चला गया प्रेरित के प्रार्थना के बाद। और साथ ही में उनको जो सांस फूलने की समस्या थी जैसे वो चल रहे थे आपके प्रार्थना के बाद, बहन बता रही कि उनको सीने में काफी हल्का लग रहा है, जो पहले दर्द होता था आपके प्रार्थना के बाद वो दर्द बिल्कुल भी नहीं है और वो अच्छे से चल पा रही है। इसलिए बहन परमेश्वर आपको धन्यवाद करती है। आमेन आमेन, ताली बजाइए यीशु के लिए।